नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आपका स्वागत है एक्सेस भारत में। तो चलते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। कानपुर के मंथना में द एक्सपर्ट डांस गेम का धूमधाम से आयोजन किया गया था। लखनऊ से आईटीआर गुप्ता व मुंबई के आर्यन डांस क्लास देकर बच्चों को प्रोत्साहित कर रहे थे। आपको बता दें कि ये कैंप 17 तारीख से लगातार 22 तारीख तक चलेगा और 23 को ही फाइनल होगा। 23 को जो भी बच्चे सिलेक्ट होंगे उनको पुरस्कृत किया जाएगा और उनको पुरस्कार वितरण कर भोजन की भी व्यवस्था करी जाएगी। डांस में प्रतिभागी बनकर हिस्सा लेने वाले लोग दिल्ली, बिहार, कोलकाता, मुंबई से आए हैं और कानपुर आकर अपना जलवा बिखेर रहे हैं। देखते रहिए खास रिपोर्ट सिर्फ ई भारत पर। मैं 2 डेज मतलब एक्सपीरियंस किया होना नई चीज़ें और कुछ सवाल सर, आप कानपुर आए हैं पहली बार? हाँ। आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है मुझे। आके संदेश देना चाहते हैं अपने चैनल के माध्यम से कि जैसे ये छोटी सी जगह है कानपुर, इधर ज़्यादा इधर हब नहीं है डांसिंग का, इधर ज़्यादा लोग डांसिंग नहीं करते आके, और इधर कानपुर में भी कानपुर के ज़्यादा लोग नहीं आए हैं। इधर सब बाहर के लोग आए, जो उड़ीसा से आए, कुछ लोग वेस्ट बंगाल से आए, दिल्ली से आए फॉर अ वर्कशॉप। क्योंकि डांसिंग के क्षेत्र में जो बच्चे हैं उनको कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं उनको बोलना चाहूँगा कि बॉम्बे से आए हैं कानपुर में राज जी को, और इनकी जो है मतलब ऐसा नहीं है कि आप लोग कानपुर के हो तो आप लोग ऐसा कुछ कर नहीं सकते। बात ये होती है कि आप इफ़ यू आर टैलेंटेड तो यू ग्रोन अप। मतलब आपको सिर्फ टैलेंटेड होना ज़रूरी है कि आप टैलेंटेड हो। अगर आप कोई से भी शहर से बिलोंग करते हो वो मैटर नहीं करता है बस, लेकिन आप टैलेंटेड हो तो आप कहीं पर भी जा सकते हो। आई रियली अप्रिशिएट राज, उन्होंने बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया है, जो भी उनका टीम मेम्बर्स हैं बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज है, तो अच्छा लगा। इस बार का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा था। और यस, क्योंकि आप भी एक लड़की है, बहुत सी लड़कियां जो इन सब में पार्टिसिपेट करना चाहती है डांसिंग में, लेकिन कहीं कहीं निगेटिविटी या फैमिली की वजह से नहीं आ पाती हैं, हमारे चैनल के माध्यम से उनको क्या संदेश देना चाहती हैं? बस ये कहना चाहेंगे कि अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो तो जस्ट ट्राई टू यू नो कन्विंस योर पेरेंट्स और उनको प्रूव करके दिखाओ कि आप कर सकते हो। लाइक हर किसी के पेरेंट्स स्टार्टिंग से ही सपोर्ट नहीं करते, मेरे भी नहीं करते थे, बट हमने ऐसा उनको प्रूव किया एंड नाउ दे आर लाइक सपोर्टिंग। और अभी मैं ऑल ओवर इंडिया ट्रैवल करती हूँ अकेले, और अगर हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। रोल क्या नाम है? दिस इज़ आर्यन शर्मा फ्रॉम द किंग्स। सो मेरा मतलब बैकग्राउंड ये है कि हम लोग वन टाइम ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है, जो पूरे इंडिया में आज तक इतने सालों में आज तक कोई नहीं लेके आया, और वन टाइम हम लोग वर्ल्ड चैम्पियन है। वर्ल्ड चैम्पियन मतलब हम लोगों ने वर्ल्ड ऑफ डांस में इंडिया से एक ही क्रू गए जिसमें हम लोग विनर है 100 में से 100, और उसमें से जज थे जेनिफर लोपेज, नियो और एक डेविड करके, तो वो लोग मतलब सब चैंपियंस लोग हैं। और चैंपियंस लोग के बीच में हम लोगों ने एक मतलब एक कंपटीशन होता है वर्ल्ड ऑफ डांस करके, जिसमें इंटरनेशनली सब देश के लोग आते, और हम लोगों ने इंडिया को एज अ रिप्रेजेंट किया था 100 out of 100। आज तक किसी रियलिटी शो में भी मतलब ऐसा नहीं हुआ है कि किसी को 100 out of 100 मिला हो। कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोग मुंबई के रहने वाला हूँ मैं। अच्छा। और इस समय कहाँ पे आए हैं? अभी मैं आया हूँ कानपुर फॉर अ डांस वर्कशॉप। हाँ, मैं फर्स्ट टाइम कानपुर आया हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं ऐसा देखता नहीं हूँ, ऐसा मतलब छोटी जगह पे आता नहीं हूँ, लेकिन मैं आया हूँ और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है इधर आके, क्योंकि इधर 70+ लोग है और सब डेडिकेटेड है बिकॉज ऑफ राज, और राज ने बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया है वाला कॉम्पिटिशन। मतलब उसके लिए भी टफ है, उसके लिए भी चैलेंजेबल है, लेकिन